हेलो प्यारे दोस्तों, तो बताइए कैसे हो आप सब दोस्त। उम्मीद करता हूँ कि सब दोस्त ठीक ठाक होंगे, लचपच होंगे, अपने दोस्तों के साथ, अपने चाहने वालों के साथ एंड स्पेशली अपने घर वालों के साथ। तो आज हमारे साथ है टुकाई शो में दीपक दलाल कहो या फिर कलाल कहो। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो को। मेरा नाम दीपक कलाल। दीपक दलाल है? हेलो, दलाल नहीं। क्या करने आए हैं? मैं एक्चुअली हुनर से भरपूर हूँ। लेकिन आप यहाँ क्या करने आए? लोग जो सोचते हैं कि दीपक जो इंटरनेट सेंसेशन है। बचपन में हमारे घर में स्विमिंग पूल नहीं हुआ करता था, मैंने जैक्यूजी में नहा नहा कर दिन निकाले हैं। करने क्या आए हैं बताइए। सही फरमाया मेरे दोस्त ने कि ये एक्चुअली हुनर से भरपूर नहीं, ये हुनर से भरा हुआ एक संतरा है। तो आजकल ये पाया जाता है इंडियाज़ गॉट टैलेंट में। इसको इंडियाज़ गॉट टैलेंट नहीं, इसको दीपक दलाल गॉट टैलेंट कहते हैं। और इस शो में दो मीठे लोग जो मिले हैं, करण जौहर एंड दीपक कलाल। तो आजकल भाई यहाँ पे आया है और अपने मरवाता है, क्योंकि अपने प्यारे दोस्त करण भाई को तो भी कोई ना कोई चाहिए, तो उसको भी मिल गया साथी। तो इसके बाद इस भाई ने एक वीडियो अपलोड किया है, उसमें क्या क्या कहा है आप लोग भी देखिए, सुनिए और जानिए और एंजॉय कीजिए। करण जौहर सर, मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि आपने मेरा वीडियो आपके इंस्टाग्राम अकाउंट में डाला। सर, मेरा हमेशा सपना रहा है कि मैं आपके फिल्म में बतौर हीरो काम करूं। हाँ, तो बस करण जौहर ने जब अपने ट्विटर या फिर इंस्टाग्राम पे ये वीडियो डाल दिया कि जब दीपक दलाल आया था ये बीमारी इंडियाज गॉट टैलेंट में, उसके बाद ये भाई को कुछ अजीब अजीब से ख्यालात आने लगे। ख्वाब में, नींद में, ख्वाब में इसको बहुत अजीब सी ख्यालात आने लगे। कहते हैं कि मैं कब से पहन थी, हाँ वेट कर रहा हूँ आपका, क्या आप मुझे बतौर एक हीरो ले ले। अरे भाई खुदा के लिए यार, इस तरह बातें मत किया करो, तू अपना शक्ल देख और तेरे काम देखो। मतलब काम कभी बिकनी में, तो कभी तालाब में, तो कभी स्विमिंग पूल में, तो कभी पता नहीं, तो कभी केले खाते हुए। यार तू और हीरो, माफ कर, तेरे से नहीं होगा। सर, मुझे हॉलीवुड और बॉलीवुड से ढेर सारे ऑफर्स आए, लेकिन मैंने सभी ठुकरा दिए क्योंकि मैं आपके फिल्म में काम करना चाहता था। सर, आप दीपिका पादुकोण और मुझे लेकर एक फिल्म जरूर बनाना। प्रियंका चोपड़ा भी चलेगी? हाँ सर। भोसड़ी वाले को ना हॉलीवुड से बहुत सारे ऑफर आए कि आओ यहाँ पे हैजा दलाल काम करो, और उन्होंने ये टुकराए हैं क्योंकि इसको काम करना है दीपिका पादुकोण से। अरे भाई वो दीपक नहीं, दीपिका है। और इस कीमा ये भी भोसड़ी वाली है, क्योंकि इस चीज़ से भोसड़ी वाला पैदा करने वाला भी एक भोसड़ी वाली हो सकती है। वो कहते हैं प्रियंका चोपड़ा भी चलेगी। अरे खुदा का खौफ कर, भोसड़ी वाली अपनी शक्ल तो देख और इसकी करतूत देख, फिर भी तू इस तरह करती है, तेरी माँ की आंख एक कर दो। और मैं चाहता हूँ कि वो मूवी में मलाइका अरोरा खान और मेरा एरोप्लेन के ऊपर छैया छैया डांस हो। सर, मैं आपके साथ एक मीटिंग रखना चाहता हूँ, आप जल्दी से मेरे लिए लिमोसिन या लोम्बार्गिनी भेजना। BMW भी चलेगी? चल बोजड़ी के। हाँ, लिमोजी, BMW, यार हमें नाम नहीं, और इसकी माँ नाम ले रही है। और भाई साहब को मलिका अरोरा खान के साथ चैया चैया पे डांस करना है, इसको देखिए ना कसम से सलमान भाई क्या कहेगा। आप लोग खुद भी देखिए और एंजॉय करिए। हम तुम्हें इतने छेद करेंगे कि कंफ्यूज हो जाओगे कि सांस कहाँ से ले और पादे कहाँ से। Love you sir, Deepak from Los Angeles. Mom, मुझे टाटा कर जो, मुझे टाटा कर जो। बहुत मैं हीरो बनूंगा और बहुत वो मूवी सक्सेसफुल होगी, उसको ढेर सारे व्यूज मिलेंगे और इंडिया में मेरे नाम के डंके बजेंगे और मैं शाहरुख खान से भी ज्यादा फेमस होऊंगा, है ना मम्मी? हाँ, बहुत चलेगी, नहीं बहुत दौड़ेगी। Deepak from Los Angeles,
और इस भाई को ना इस मूवी देखने के बाद ये कहते हैं कि लोग मेरे नाम की डंके बजा देंगे। अरे भाई, लोग तेरे नाम की डंके नहीं, तेरी गांड के कुछ छोटे बना देंगे साले को। लॉस एंजेलिस, और इसको किस करने का तरीका देखो, और इसके माँ के ये मूवी चलेगी नहीं, दौड़ेगी। अरे माता जी, अब तेरे बारे में क्या कहूँ, तेरे लिए कोई कसूर नहीं है, क्योंकि तूने भोसड़ी वाला जो पैदा किया हुआ है ना, उसको बर्दाश्त करने के लिए हमारे पास इतना नहीं है कि तू भी आ गई। मतलब यार, कसम से इस तरह लोगों को देख के ना मेरा तो क्या करो, कुछ नहीं हो सकता इसका। चलो चलते हैं आगे, अब ये क्या क्या करता है। हाँ चलो फैंस, और अभी इंडिया गॉट टैलेंट में मैं एज ए जज बन के आ रहा हूँ सर के साथ, और आप सब बहुत एंजॉय करेंगे, और मुझे मलाइका मैम और किरण मैम ने भी बहुत सारा प्यार दिया है ना मम्मी। हाँ, बहुत सपोर्ट किया। तो आप भी जरूर ये शो देखना, और करण सर प्लीज आप जल्दी से मेरे लिए ये मूवी अनाउंस करना। टाटा, मुझे टाटा कर जो। अब साले से तो YouTube भरा हुआ था इसकी बकचोदी देखने के लिए, अब ये सारा इंडियाज गॉट टैलेंट पे भी आ रहे हैं, और मनहूस कह रहा है कि मुझे मलाइका मैम और किरण मैम ने बहुत सारा प्यार दिया। अरे भाई, उसको प्यार नहीं बेइज्जती कहते हैं, उसको तप्पड़ कहते हैं जो तेरे मुंह पे मारे थे। और बकचोद इंसान कह रहा है कि मैं हैजा जज आ रहा हूँ। हाँ जी, तू हैजा जज आओ, और तेरे कंटेस्टेंट कौन होंगे, ये जो तेरे जैसे मिट्टे लोग हैं ना, नासिर खान जान है, तू है, और ये तेरे जैसे के बाकी जो मीठे लोग हैं, मैं आपसे दोस्तों को दिखा देता हूँ, ये तेरे कंटेस्टेंट होंगे, और तू इसको जज करना और कहना कि तेरे गांड इस तरह मारना चाहिए और तू इस तरह मेरी मार। तो बस यही काम कर भाई, तू हम पे रहम कर, अपना गांड और मत मरवा। तो बस दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही था। बहुत गुस्सा आया था जब ये देखा कसम से, और कुछ नहीं कहना चाहूँगा, और मेरा ना दिमाग पट्टी जा रहा है। खैर, तो आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही था। उम्मीद करता हूँ कि आप सब दोस्तों ने वीडियो देखा और एंजॉय किया, अगर किया तो आप लोग लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, एंड सब्सक्राइब भी कर सकते हो। अगर नहीं करना है तो भी कोई बात नहीं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, एंड खुश रहें, आबाद रहें, और हंसते हुए मुस्कुराते हुए अपने दोस्तों के साथ रहें। लास्ट में, पाकिस्तान जिंदाबाद।